मैं हूं अमित और मेरी किचन में आप सभी का स्वागत है। जब भी हम बेकिंग के लिए किचन में एंटर करते हैं फर्स्ट टाइम, तो बहुत कंफ्यूजन होती है कि हमको क्या यूज़ करना है क्या नहीं यूज़ करना है। तो आज हम देखेंगे वही चीज़ें जो हमको बेकर्स को स्टार्टिंग में लगती हैं, जिसको हम बेकर स्टार्टर किट भी बोल सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझसे अपनी क्वेरीज और डाउट्स पूछें। तो चलिए देखते हैं कि बेकर्स को स्टार्टिंग में क्या क्या लगता है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बेकिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एक लगेगा एक अवन। ये है मेरा ट्रेडिशनल पुराना अवन जिसमें कि सिर्फ एक टेम्परेचर का बटन है। सो ये एक अवन लगेगा आपको। ये है परफोरेटेड प्लेट उसकी, ये अवन के साथ ही मिली थी मुझे। सो ये है उसकी परफोरेटेड प्लेट जो कि केक टिन और अवन के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करता है। ये है अवन थर्मामीटर जिससे कि आपको अपने अवन का टेम्परेचर प्रॉपरली पता चलेगा। सो एक अवन थर्मामीटर, ये दो एसेंशियल टूल्स हैं स्टार्टिंग में बेकिंग करने के लिए। आपको अवन, अगर आपके पास अवन नहीं है तो उसका मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूँ आगे जब मैं केक टिन्स के ऊपर जाऊँगा। सो एक अवन और अवन थर्मामीटर एसेंशियल टूल फ्रेंड्स। उसके बाद है ये मिक्सिंग बाउल्स। मिक्सिंग बाउल्स में इंक्लूडेड हैं तीन बाउल्स जिसमें कि सबसे जो बड़ा वाला है इसमें मैं अपनी यूजुअली क्रीम विप करता हूँ जब इसको ज़्यादा क्वांटिटी में विप करना होता है। ये जो है पिंक वाला मीडियम साइज में, इसमें मैं 1 kg का स्पॉन्ज केक बैटर बनाता हूँ। और ये जो है छोटा सबसे, इसमें मैं 1/2 kg का स्पॉन्ज केक बैटर बनाता हूँ। तो मिक्सिंग बाउल्स। एंड ये जो है, ये है हीट प्रूफ ग्लास बोल जिसमें कि मैं अपना चॉकलेट गनाश और जिसमें बाकी सब चॉकलेट मेल्ट करना हुआ तो ये सब मैं इसमें बनाता हूँ, चॉकलेट गनाश और ये सब हीट प्रूफ बोल है ये। सो मिक्सिंग बाउल्स। उसके बाद आपको लगेगा ये है वेइंग स्केल जिससे कि आप अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स को प्रॉपरली मेजर कर सकते हैं। सक्सेसफुल बेकिंग का एक ही की है, अपने इंग्रेडिएंट्स को प्रिसाइजली प्रॉपरली मेजर करना। ये बैटरी ऑपरेटेड वेइंग स्केल है। सो ये वेइंग स्केल। और अब जो है ये है मेजरिंग स्पूंस। हाँ, मेजरिंग स्पूंस आते हैं सेट ऑफ 4 या 5 में, यूजुअली 4 के सेट में आते हैं, बट मेरे पास 5 का सेट है जिसमें है 1 tablespoon, 1/2 tablespoon, 1 teaspoon, 1/2 teaspoon एंड 1/4 teaspoon। सो ये जो 1/2 tablespoon है ये वाला, ये यूजुअली किसी सेट में नहीं होता है, नॉर्मल आपको 4 का सेट मिलता है। सो ये है मेजरिंग कप्स। इसमें आप अपने ड्राइंग, क्योंकि कभी कभी कोई कोई रेसिपी कप मेजरमेंट के लिए बोलता है तो आप तभी ये वेइंग स्केल नहीं यूज़ कर सकेंगे, आपको तभी कप्स ही यूज़ करने पड़ेंगे। ये सेट ऑफ 4 में ही आता है, कभी कभी 5 में आता है ये भी, जो कि है 1 cup, 1/2 cup, 1/3 and 1/4 cup। ये 1/3 cup है और ये 1/4 cup है, कभी कभी इसमें 1/8 cup भी होता है। सो ये वेइंग स्केल, मेजरिंग स्पून, मेजरिंग कप्स। ये जो है, ये है इंडियन टी कप जिसमें हम अपने टीज पीते हैं। सो इससे मेजर करेंगे कोई भी आप इंग्रेडिएंट तो ये 100 ग्राम्स के आसपास आएगा। सो अगर ग्राम्स के लिए अगर आपके वेइंग स्केल नहीं है फॉर द टाइम बिंग, आप ये कप्स यूज़ कर सकते हैं 100 ग्राम्स के आसपास। और एल्स अगर आपको वेइंग स्केल नहीं है तो आप ऐसा वाला एक ग्लास ले सकते हैं जिसको हम मेजरिंग ग्लास भी बोलते हैं। इसमें मिलीलीटर्स, पहली बात तो ये मिलीलीटर्स आउंसेस के लिए परफेक्ट है, मिलीलीटर्स और लीटर्स में मेजरमेंट दिया हुआ है। रवा मेजर कर सकते हैं ग्राम्स में, शुगर ग्राम्स में मेजर कर सकते हैं, और काफ़ी सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं और उनकी मेजरमेंट्स दिए हुए हैं। सो एक मेजरिंग ग्लास अगर वेइंग स्केल का ऑप्शन नहीं है तो मेरे पास यहाँ पे कुछ विस्क्स हैं, इससे मैं अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स और यूजुअली केक बैटर प्रिपेयर करता हूँ। ये 3 चीज़ें और ये, इन पे मैं केक डेकोरेशन की जब बात निकली तभी आऊँगा। ये है एक इलेक्ट्रॉनिक हैंड मिक्सर, ये 300 वॉट्स का है। मैंने अपनी क्रीम वीडियो में बताया था मेरा कौन सा ब्रांड है, बट अगर आपको बेकिंग करनी है तो ये एक एसेंशियल टूल है। अगर आप ये सब चीज़ें, टूल्स, इक्विपमेंट्स परचेस करते हैं तो 12-13 ईयर्स के लिए आपका ये साथ नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ इसको छोड़ के, क्योंकि इनके ये डिपेंड करता है आपके यूज़ के ऊपर कि आप इसको कैसा यूज़ कर रहे हैं। सो ये है इलेक्ट्रॉनिक हैंड मिक्सर।
और जिससे एक साथ एक दो दो बीटर ले जाते हैं और दो ऐसे डो बुक्स आते हैं, तो इससे आप डो भी नीड करने की ट्राई कर सकते हैं। मैंने आज तक नहीं किया है। सो एक इलेक्ट्रॉनिक हैंड मिक्सर, ये हैं सिलिकॉन स्पैचुलास, मेरे को दो हैं, मेरे को काफ़ी सारे हैं फिलहाल, मैंने यहाँ पे दो हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है, जिससे कि इससे मैं अपने केक जो है केक बैटर्स को स्क्रेप डाउन करता हूँ, और इससे जो कि है मैं जो छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स छोटे छोटे बाउल्स में होते हैं उससे मैं इससे मैं स्क्रेप आउट करता हूँ, तो मैं ये यूज़ करता हूँ। ये है सिलिकॉन ब्रश और वुडन ब्रश, जिसको पेस्ट्री ब्रश भी बोलते हैं। मैं यूजुअली इसको ग्रीजिंग और केक टिन की केक जब मेरे रेडी हो जाते हैं उसके आइसिंग के करने के टाइम मैं इसको सोक करने के लिए केक को मॉइस्चराइज और सोक करने के लिए यूज़ करता हूँ इन दोनों ब्रशेस को। सो इसके बाद है अवन ग्लव्स, जिनको मैं अभी केक डेक करके वेयर करके इनको पहन के मैं अपना केक टिन निकालता हूँ। सो उसके बाद है ये वे स्ट्रेनर्स, जो कि है दो मेरे पास फिलहाल, एक में जो ये है मेटल वन है, जिससे कि मैं अपने जो इंग्रेडिएंट्स है उसको शिफ्ट करता हूँ ऐसे ऐसे करके। सो ये है एक मेटल वन और ये है जो प्लास्टिक की है, बिकॉज मेरे को फाइन भी चाहिए थी तो ये फाइन स्ट्रेनर प्लास्टिक के हैं। सो ये दोनों। उसके बाद हमको हैं केक टिन्स, अभी हमारे मार्केट में काफ़ी सारे केक टिन्स अवेलेबल है, तो स्टार्टिंग में जो बेसिक आपको लगेंगे मैं आपको उनके लिए बता रहा हूँ। अब बारी आती है केक टिन्स की, ये है कुछ बेसिक केक टिन्स और ये है मफिन ट्रे। सो चलिए देखते हैं हमको स्टार्टिंग बेकिंग करने में कौन से बेसिक कप केक टिन्स लगेंगे। ये जो है सबसे पहले राउंड वन, मैं राउंड वन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस पर जो आइसिंग करने के लिए है वो ईजी होता है राउंड वन पे। सो ये है 7 इंच का राउंड केक टिन, ये है 5 इंच का राउंड केक टिन, 5 to 6 इंच का होगा ये। ये है चीज़ केक पैन, जिसमें आप अपनी चीज़ केक बना सकते हैं, उस चीज़ केक हम इसको स्प्रिंग फॉर्म पैन भी बोलते हैं। ऐसे आप इसकी क्लिप्स जो है यहाँ पे ये यहाँ पे लूजन हो जाती है और इसका बॉटम अलग हो जाता है कुछ इस तरीके से, और इसको अगर आप जब यहाँ से ऐसे करके क्लिप को बंद करते हैं तो इसका बॉटम वापस जगह पे लगाया जाता है। तो ये है चीज़ केक पैन, ये है लोफ पैन। मैं अपने ओवन में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, इसके अलावा और कुछ नहीं यूज़ करता हूँ। तो ये है लोफ पैन जिसमें आप अपने स्लाइस केक्स और ब्रेड बना सकते हैं लोफ पैन। ये है कपकेक मोल्ड और मफिन मोल्ड, ये तो सिलिकॉन का है तो इसमें आपको ग्रीसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये है मफिन ट्रे, 6 मफिन ट्रे, ये सब ओवन में बराबर जाती है इसलिए 6 मफिन ट्रे। ये है कपकेक लाइनर्स और कपकेक पेपर्स, कभी कभी हमको ट्रैवल पे लेकर जाने होते हैं कपकेक्स, तो हम इनमें बना के उनको अलॉन्ग विथ दिस पेपर लेकर जा सकते हैं, और एल्स आपको अगर सिलिकॉन मोल्ड में बनाने हैं तो आप सिलिकॉन मोल्ड में भी बना सकते हैं कुछ ऐसे। सो ये है कपकेक लाइनर्स या कपकेक पेपर्स। उसके बाद आते हैं स्क्वायर टिन्स, ये हैं 2 स्क्वायर टिन्स, ये 5 इंच का है और ये 9 इंच का है। इसमें मैं ब्राउनीज और काफ़ी सारे स्क्वायर केक्स बनाता हूँ। और ये है स्विस रोल पैन, इसको स्विस रोल पैन बोलते हैं जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है। अब ये जो मोल्ड हैं ये सब चॉकलेट मेकिंग के लिए हैं, तो मेरे चॉकलेट मेकिंग के वीडियोज़ भी आ रहे हैं जैसे, तो इसलिए मैंने इसलिए इनमें कंबाइन कर दिया। ये है चॉकलेट मेकिंग के मोल्ड, चॉकलेट मेकिंग के लिए स्ट्रिक्टली चॉकलेट मेकिंग के लिए जो मोल्ड्स मिलते हैं सिलिकॉन के या ऐसे प्लास्टिक वाले वो ही यूज़ करें। तो अब बारी आती है केक डेकोरेशन की, तो केक डेकोरेशन पे देखते हैं हमको क्या क्या लगे, क्या क्या एसेंशियल टूल्स हैं। सो मैंने फ्रेंड्स जैसे आपको यहाँ पे बोला था कि मैं इन चीज़ों पे जब केक डेकोरेशन की बात निकलेगी तभी आऊँगा। सो ये हैं सबसे पहले तो हमको 3 नाइफ्स लगेंगे ऐसे, इनको नाइफ्स इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि एक तो ये सरेटेड नाइफ है जिससे कि आप अपने केक की आउटलाइन करके उसको कट कर सकते हैं। मैं अपने वीडियो में दिखाऊंगा कि मैं उसको केक को कैसे कट कर मैं इजी वे में कट करता हूँ एक। ये है ऑफसेट स्पैचुला जिसका एक ऐसे थोड़ा बेंट किया हुआ है, इसको आप टॉप क्लियर करने के काम में यूज़ कर सकते हैं। और ये है पैलेट नाइफ जिसको कि आप साइड्स को क्लीन कर साइड्स को प्रोफेशनल लुक के देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये हैं डिस्पोजेबल पाइपिंग बैग,
और ऐसे नहीं कि आप इनको एक ही बार यूज़ कर, आप इनको वॉश करके दूसरी बार वापस से यूज़, दूसरी तीसरी बार वापस से यूज़ कर सकते हैं। मैं कपड़े की पाइपिंग गैस कभी नहीं प्रेफर करता हूँ क्योंकि उसमें थोड़े टाइम के बाद अजीब सी स्मेल आती है। सो ये पाइपिंग बैग और नोजल्स भी बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में, तो आपके लिए कौन सा नोजल अच्छा वर्क करता है उसके लिए आपको लगेगी प्रैक्टिस। बट स्टार्टिंग में आप ऐसे, ये जो है N1 इसका नाम है, नूर N1 नोजल्स, हमेशा नूर के या विल्टन की यूज़ कीजिए। विल्टन बहुत एक्सपेंसिव है और यहाँ पे इंडिया में अवेलेबल भी नहीं है इजीली, सो इसलिए फ़िलहाल आप नूर यूज़ कीजिए, नूर बेटर है बहुत विल्टन से। सो ये नूर N1 है, इससे आप, मैं रोजेस भी बनाता हूँ। सो अब बारी आती है इन चीज़ों की जो टर्न टेबल पर पड़े हैं। ये है केक कोम्ब, जिससे कि आप केक को लाइंस दे सकते हैं सफिक्स पे और टॉप पे भी, केक कोम्ब है ये। ये है थ्रेड, मैं थ्रेड इसलिए रखता हूँ अपनी बेकिंग किट में बिकॉज इससे मैं काफ़ी सारे अपने केक्स को कट कर पाऊँ थ्रेड से। सो ये मेरे आपको फ्यूचर वीडियोज में पता चलेगा कि मैं उसको कैसे कट करता हूँ। सो थ्रेड, ये है सीज़र, सीज़र मैं फ्लावर्स जब भी बनाता हूँ फ्लावर्स के लिए यूज़ होती है और पाइपिंग बैग्स की टिप्स कट करने के यूज़ होती है। ये है ड्राइंग बुक, ड्राइंग बुक इसलिए क्योंकि बटर पेपर हमारे पास कभी हमेशा अवेलेबल नहीं रहता है। सो मैं ड्राइंग पेपर यूज़ करके अपनी केक टिन को लाइन करता हूँ, वो आपके मेरे को मेरे फ्यूचर वीडियोस में आपको पता चल जाएगा कि मैं इसको कैसे यूज़ करता हूँ। ये जो है, ये हैं प्लास्टिक स्क्रैपर्स हैं, प्लास्टिक और फ्लेक्सिबल स्क्रैपर्स हैं। इसमें काफ़ी सारे अलग अलग हैं जो चाइनीज क्राफ्टिंग और ऐसे वाले, देखिए ये प्लास्टिक है, थोड़ा हार्ड प्लास्टिक है। सो ये इसका सेट आता है, बट मेरे ख्याल से ये अभी मार्केट में आना बंद हो गया है। सो आप इसको OHP शीट या कोई भी ऐसी हार्ड प्लास्टिक से बना सकते हैं, काफ़ी सारे अलग शेप्स एंड साइज़ के हैं, बट हमको जनरली यही लगता है ज़्यादा नीड में। सो ये स्क्रैपर्स, और ये है केक टर्न टेबल, आप देख सकते हैं कैसे घूम रही है। तो ये है केक टर्न टेबल, आपकी केक्स को प्रोफेशनल लुक देने के लिए आपको ऐसी टर्न टेबल लगेंगी। ये बड़ी छोटी साइज में आती है, ऐसी है ये केक टर्न टेबल। अभी मैंने बात की थी आपको एक अवन की बताने की, अवन का सॉल्यूशन। सो ये है आपके अवन का सॉल्यूशन, आपको एक भगोना लेना है, आप प्रेशर कुकर या कुछ और भी ले सकते हैं, बट प्रेफरेबली मैं जब भी केक बेक करता हूँ तो मैं इसमें एक हार्ड एल्यूमिनियम वेसल है हमारे सिंधीज का, जिसको हम सिपरी बोलते हैं। सो ये है एक एल्यूमिनियम वेसल, ये है उसकी रिंग, ये रिंग भी हमारे घर पे जनरली मिल जाती है आसानी से। ये डिस्टेंस क्रिएट करता है, मैं इसके नीचे ना सॉल्ट ना और कुछ डालता हूँ, सॉल्ट सैंड कुछ भी नहीं, और ये है उसका केक टिन। सो जब भी मेरे को बेक करना होता है तो मैं इसमें केक बैटर रेडी करके उसको ऐसे कवर कर देता हूँ जैसे इसमें कुछ जाए नहीं, और इसको कुछ किसी भारी चीज़ से कवर कर देता हूँ 15-20 मिनट्स के बाद मैं उसको चेक कर लेता हूँ। सो ऐसा आपको ये, अगर अवन नहीं है तो आपको ये ऐसा वेसल ले सकते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं बेकिंग के लिए बाद में। सो और अगर आपके पास टर्न टेबल अगर आपको नहीं लेनी है तो आप रोलिंग पिन के ऊपर कुछ ऐसा रख के आप रोलिंग पिन को ऐसे, आप इस प्लेट को ऐसे रोटेट कीजिए तो आपकी केक टर्न टेबल भी बन जाएगी। ये है कुछ टेम्प्ररी सॉल्यूशंस, बट आपको फ्यूचर में उनके ऊपर इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा प्रोफेशनल लुक्स के लिए। सो फ्रेंड्स, मेरे को उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने काफ़ी सारे अपने एसेंशियल रूल्स इस बेकिंग स्टार्टर किट में कवर कर लिए हैं। सो इसके बाद भी अगर कुछ होगा तो मैं आपको अपने फ्यूचर वीडियोस में बता दूंगा उसके लिए और उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन। एक चीज़ में से रह गई जो कि है एक टूथपिक, टूथपिक इसलिए आपको ये काफ़ी सारे डिज़ाइंस बनाने में काम आएगी, जहाँ चाइनीज़ क्राफ्टिंग में और केक को चेक करने के लिए भी आपको एक टूथपिक काम आती है। सो एक टूथपिक। और फ्रेंड्स, आप, मेरे को उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।